कहा कि टेररिज्म से टूरिज्म तक हमारा सफ़र पहुंचा है, और जब पाकिस्तान के हालात ठीक हुए हैं तो एक कुदरती आफत की सूरत में कोरोना वायरस अब पाकिस्तान की सरहदों पे आ पहुंचा है, मरीज़ पहुंचे हैं और मुसल्ला अफवाज हमेशा पहुंचती भी हैं मदद के लिए। इस सिलसिले में जहां हमारे बॉर्डर ओपन हैं बहुत ज़्यादा और दुश्मन हर किस्म की गेम करने के लिए चाहता है कि पाकिस्तान ख़राब हो, अब सऊदी अरब ने भी फ़्लाइट्स बंद किए हैं, हमारे पास क्या इलाज है इस कोरोना वायरस को जो किसी और सूरत में यहाँ पर आ ना जाए? देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रही है। आपने कल रात को डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उसमें बड़े सैर हासिल तरीके से उन्होंने इसके लिए किए गए इकदाम का भी जिक्र किया और जो अब तक हम कर चुके हैं। मैं इसमें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अगर इसको देखा जाए, पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाम ममालिक में ये वायरस फैल रहा था और पाकिस्तान में अभी इसके 2 केसेस की तशखीस हुई है। सो इट मीन्स के हमारे इंतजाम जो कुछ इसके बारे में किया गया है, दे आर पेइंग ऑफ। एज फार एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन दिस इज कंसर्न्ड, वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू हेल्प आउट एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स अस, एंड ऑल आवर फैसिलिटीज आर एब्सोल्युटली अलर्ट टू द सिचुएशन। और इसमें जो भी कॉन्फ्रेंसेस कॉल की जाती हैं, जब से ये क्राइसिस सिचुएशन शुरू हुई है, उसमें हमारे मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसका हिस्सा होते हैं, एंड वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, एंड एज एंड व्हेन वी आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प द गवर्नमेंट, वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट।